गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं शब्द विचार की एक अभ्यास यानी कि एक्टिविटी। इस अभ्यास में हम जानेंगे कि हमने विभिन्न प्रकार के जो शब्द पढ़ रखे हैं उन शब्दों को किस प्रकार वर्गीकृत करें। हमने पढ़ लिए हैं अभी शब्द स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो जब हमने स्रोत के आधार पर शब्द पढ़े थे वो चार प्रकार के थे। कौन से चार प्रकार थे? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द और विदेशी शब्द। एक बार आपको दोबारा दोहरा देते हैं कि कौन से होते हैं। तत्सम, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आते हैं और हिंदी में उसी प्रकार से बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग कर लिए जाते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द भी वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आते हैं परंतु थोड़ा सा रूप परिवर्तित करके हम उसे अपनी हिंदी में प्रयोग करते हैं। क्लियर। थर्ड थिंग, देश शब्द जो हमारे देश की भाषाओं की उपज है, जिनका जन्म हमारे देश में ही हुआ है, हमारी बोलियों हमारी भाषाओं के ही शब्द हैं, देशज। और विदेशी शब्द जो हमने किसी दूसरी भाषाओं से लिए हैं, चाहे वो उर्दू फारसी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे तुर्की हो, किसी भी भाषा के शब्द जो अब हमारी भाषा का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस प्रकार से स्रोत के आधार पर हमने शब्दों को चार वर्ग में बांटा था। अब यहाँ अभ्यास में हमें करना क्या है, कुछ शब्दों की सूची दी गई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बोर्ड पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें विभिन्न वर्गों के अनुसार बांटना है, यानी अलग अलग हेडिंग के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सारे शब्द इकट्ठे हैं, हमें उनको चुनकर सही शीर्षक के सामने लिखना है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ही क्या करोगे टेबल बनाते समय कि एक रंग से एक कलर को दर्शाने के लिए, जैसे हमने तत्सम शब्द है तो यहाँ तत्सम शब्द के नीचे मैंने नीली रेखा गिर दी, यानी कि जितने शब्द होंगे नीले रंग से मैं रेखा गिर करूँगी और फिर यहाँ गिरूंगी। तो आपके लिए वो चुनना आसान होगा और थोड़ी सी ये गतिविधि करने में रोचक और अच्छी भी लगेगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, एक एक शब्द को पढ़ते हैं और अलग अलग कैटेगरी में हम डालते जाएंगे। पहला शब्द हमने लिया स्टेशन। स्टेशन शब्द कौन सी भाषा का है? संस्कृत का नहीं है, तो वो तत्सम और तद्भव में नहीं जा सकता, अंग्रेजी में जाएगा, यानी कि वो हमारी विदेशी भाषा का हिस्सा है। स्टेशन यहाँ से काटा, सीधे विदेशी भाषा में डाल दिया, स्टेशन। क्लियर, चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। फावड़ा, फावड़ा कौन से मिल जाएगा? तत्सम तद्भव का रूप तो हो नहीं सकता, देशी भाषा का शब्द है, तो फावड़ा यहाँ से कट किया और यहाँ डाला फावड़ा, ये हो गया हमारा देशी शब्द। फिर बढ़ते हैं पुलिस, अंग्रेजी भाषा यानी फारसी और तुर्की से आया हुआ दूसरी भाषा का शब्द है, यानी कि ये हुआ विदेशी शब्द, हमारी भाषा का नहीं है, हटा दिया। अब बढ़ते हैं अग्नि, तो अग्नि क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है जिसे हम बिना परिवर्तन के इस्तेमाल करते हैं, तो ये जाएगा तत्सम शब्द में, अग्नि। अब बढ़ते हैं खटपट। खटपट शब्द हमारी भाषा का शब्द है, देशी भाषा का शब्द है जिसे हमने बिना परिवर्तन के उपयोग किया है, तो ये हो गया देशज, खटपट। ओके, अब बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, क्षेत्र। क्षेत्र किस में जाएगा? क्षेत्र कौन सी भाषा का शब्द है? तत्सम का, जिसे बिना किसी परिवर्तन के हम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये होगा तत्सम का। अब आया पिता। पिता तद्भव शब्द है, क्यों? क्योंकि पितृ से बना पिता, तो यहां पर आया पिता तद्भव, संस्कृत से बदला हुआ। अब बढ़ते हैं अगला स्कूल, तो यहां पर स्कूल हमें पता है कि ये विदेशी भाषा का शब्द है, तो हमने उसे डाला स्कूल विदेशी भाषा में। अब बढ़ते हैं अगला शब्द पगड़ी। पगड़ी हमारी भाषा का शब्द है, यानी कि देशज, हमारी ही देश की उपज है पगड़ी। हमारे देश की भाषाओं के शब्दों की भी संख्या कम नहीं है, हम भी कई सारे शब्दों का हमारी भाषा ने यानी हमारे देश से उनकी उत्पत्ति हुई है। औला, औला ये भी विदेशी भाषा का शब्द है जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, औला मतलब संतान, ये हुआ। इसी प्रकार अब आते हैं काम की तरफ। काम किस में चला जाएगा? तद्भव में, क्योंकि कर्म को हमने परिवर्तित किया है काम में, तो ये हो गया तद्भव शब्द, काम। आगे बढ़ते कर्म यानी कि
हेला, हेला किसमें जाएगा? देश शब्द, जो हमारे देश की भाषा का शब्द है थेला। यहाँ से थेला कट किया, हमने उसमें डाला देश शब्द। अब आया घर, किसमें जाएगा? तत्व या देश। घर बना ग्रह से, ग्रह का संस्कृत, उसे परिवर्तित किया घर, तो क्या बन गया? तद्भव, क्योंकि संस्कृत का परिवर्तित है इसीलिए घर। अब आया खेत, कहाँ जाएगा? खेत जाएगा तद्भव में, संस्कृत से परिवर्तित रूप में इसका प्रयोग किया गया। एंड देन आखिरी शब्द सूर्य, सूरज का संस्कृत शब्द, तो ये किसमें जाएगा? अगर संस्कृत वाला है तो तत्सम में। तो इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि शब्दों को उनके रूप के अनुसार हमने विभिन्न वर्गों में बांट लिया है। जब आप शब्दों का अध्ययन करोगे तब इसी प्रकार से करोगे कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, देशज कौन से होते हैं, विदेशी कौन से होते हैं, क्योंकि आपसे उनको पहचानने के लिए कहा जा सकता है, वर्गीकृत करने के लिए कहा जा सकता है, और एक और रूप है तत्सम के तद्भव लिखने के लिए भी आपसे कहे जा सकते हैं। तो अध्ययन करते समय ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार अध्ययन करना है और उन शब्दों की सूची को लेखबद्ध भी करना है, याद भी करना है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।